అక్కడ పెట్టుకొని ఉంటే మీరు ఏ విధంగా మీ ఇంట్లో ఈ ప్రకటన అయినా పెట్టుకుంటే దాని యొక్క ప్రభావం ఇమీడియట్ గా చూపిస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క సూచనను గమనించగలరు ఇప్పుడు గురుదీక్ష ఇస్తున్నాను మీరందరూ చేతులు జోడించండి నేను ఏ విధంగా చెప్తాను ఆ విధంగా చెప్పండి హాత్ జోడో మైజేసాకైతాం వైసాకో స్వామి శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు ప్రియం శ్రీ నిఖిలేశ్వరానంద స్వామి మమ సద్గురు గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః బాయా హాత్ హృదయ పర రఖో రైట్ హ్యాండ్ సర్కిల్ ओम ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रे हरिं ओम नमः ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् आंख मूंदकर 11 बार गुरु मंत्र को बोलो 11 సార్లు గురు మంత్రాన్ని ఉచ్చరించుకోండి కళ్ళేసి గురువును ధ్యానిస్తూ గురువు కా ధ్యాన్ కర్తే హై 11 బార్ గురు మంత్ర జప్ బోల్లో अब सुबह 6 बजे उठकर नित्य की आपकी गुरु मंत्र जप करने के बाद जो गुरु साधना दी है मैंने सुबह उसकी 20 माला कर लो और मैं 7:36 को शिव स्थल पर पहुंच जाऊंगा। 9 बजे हैं, जानता हूं कि खाना खाना भी है सोना भी है और मैं साधना भी तुम्हें करवानी है। मैं और भी समय लेता था लेकिन दत्तु भैया का कहना यह है कि अब फिर और लोग भी आने वाले हैं, फिर इसकी जरूरत आपको अगर वहां जहां जगह नहीं है तो यहां भी आकर आप सो सकते हैं। बहुत प्रयत्न किया हूं कि आप सभी को एडजस्ट करो लेकिन वर्षा के कारण एडजस्ट करना अगर किसी को तकलीफ है तो भी आप अपनी अपनी जगह संभाल लें। अरुण शाडोल वाले आए थे, जगह नहीं है, जगह निर्माण कर लें, जगह का निर्माण कर लें और अपनी जगह देख लें। आप सभी को पुनः आशीर्वाद देता हूं। आप सब सुबह 7:36 को आए। एक बात याद रखें, मैं बार बार बोलता हूँ, आज जो गुरु यंत्र दिया है आपको और अभी जो कात्यायन यंत्र दिया है उसको बैग में रखकर आपके पांव की तरफ मत रखना, आपके सर की तरफ रख लेना। इस यंत्र को पांव की तरफ रखना उसका प्रभाव निकल जाता, क्योंकि ये विरूपाक्ष है। विरूपाक्ष का अर्थ होता है वीर और उपाक्ष का अर्थ होता है, इसको कभी इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस साधना में इस यंत्र की जितने आप उसको एक सम्मान प्रदान करेंगे इस गुरु साधना, क्योंकि परमेश्वर गुरु की साधना है। इस यंत्र को अगर इधर उधर भी गया तो गुरु को ही आपके ऊपर गुस्सा आ जाएगा। तो इस यंत्र को आपके प्राण पर हृदय पर देखकर इस यंत्र को आप ऐसी जगह रखो जहां आपके सर की तरफ रख के यंत्र को रखना है। कभी गलती से भी यंत्र को ऐसी जगह मत रखो जो आपके पाँव की तरफ जाता हो या पाँव की तरफ रखता हो। इस यंत्र को रख लो और सुबह आपके नित्य जप होने के बाद गुरु शक्ति साधना का मंत्र जप करो और उसके बाद मैं आने के बाद स्वर्ण कात्यायन की साधना आपको मेरे पास मेरे सामने ही संपन्न करवाऊंगा। आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस बार मैं देखता हूं कि हमारे नित्य आने वाले साधकों से भी जबलपुर और बिलासपुर आदि से भी साधक नए नए साधक आए हैं। अब वो लोग बताएं कि उनके लिए एक शिविर कैसा रहा। उन्होंने जो मेरे से भी ज्यादा बड़े बड़े शिविर 5,000-10,000 वाले शिविर देखे हैं और उनके उन शिविरों में ये शिविरों में क्या फर्क लगता है, मैं कल उनसे पूछ लेता हूँ। अरुण भी है, अरुण भैया भी है, मैं ये भी
उमाकांत भी है अमरकंटक से और दूसरे भी साधक आए हैं, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग बड़े शिविर कैसा लगा, और कोई इसमें चेंजेस होना है या पूरी वो इस शिविर से भी वो शिविर अच्छा था तो मैं अपने आप को बदल लेता हूँ, किस तरह करना है। आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब इस साधना को संपन्न करें, और मैं जो चाहता हूँ वैसी मुस्कान आप फिर आप जब भी मुझे मेरे पास मेरे साथ मिले तो आप उस मुस्कान के साथ मिले, कभी ऐसे नहीं दुखी होकर मेरे सामने ना आए, यही इच्छा रखता हुआ कल सुबह मैं 7:36 को यहाँ आऊंगा। आप सब लोग साधना सामग्री लेकर आपके पास रख ले, विश्राम करें, मैं कल सुबह 7:36 जाता हूँ। बोलो परम पुण्य सतगुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुदेव की, सिद्धार्थम की, सिद्धार्थम सारे परिवार की, बोलो हर हर महादेव। स्वर्ण कात्यायन साधना के लिए वैसे कहा जाता है कि वो जो चावल रखे हुए हैं वो चावल उस शंख में भरे, ऐसा एक एक मंत्र बोलते हैं चावल डालना है, और आपको कांचन माला का कांचनी पुष्प कहते हैं अगर वो मिलता है तो एक भी स्वर्ण यंत्र पर वो चढ़ाना या कमल का पुष्प चढ़ाना, हम तत्काल 24 घंटों में धन की प्राप्ति देख सकते हैं, ऐसा भी उसके बारे में कहा गया है जिनको मैं कब सुबह करवाऊंगा। इसे कांचन पुष्प कहा गया है, उसको कनकाम्बरम तेलुगु में बोलते हैं। ऐसे पुष्प को अगर हम उस यंत्र पर चढ़ाकर साधना संपन्न करते हैं तो हम 24 घंटे में उस धन के आगमन का और स्वर्ण कात्यायनी के प्रसन्नता का काम हम देख सकते हैं। मैं कल सुबह 7:36 का आऊंगा, आशीर्वाद देता हूँ। बोले परम पुण्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।